गुड मॉर्निंग योर होलीनेस। परम पावन जी गुड मॉर्निंग। और इसमें मेडिकल के जो प्रोफेसर्स हैं, तो आज आपके साथ This session is certainly a highlight for me in my career of over 3 decades in the pharmaceutical industry. तो इसमें जो है मैं पिछले 3 decades से इस फार्मा एजेंसी में हूँ, तो हमारे जो साथी हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, और जिन्होंने इस जीवन को बचाने में जो कार्य किया है। We also have with us 4 leading lights of the medical profession. तो इसमें जो मेडिकल प्रोफेसर्स लोग हैं वो भी साथ हैं, डॉक्टर नागेश्वर नेगी रेड्डी जो कि इसके फाउंडर हो, और तो इसके साथ साथ डॉक्टर मोहन डायबिटिक सेंटर के, तो अमीरा शाह जो एंटरप्रेन्योर और इलेक्ट्रोपरेसी के डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर श्रीनाथ जो पब्लिक हाथ जो फाउंडेशन जो कि काफ़ी जाने पहचाने चेहरा हैं। तो हालांकि परम पावन जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, His Holiness the 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso, who describes himself as a simple Buddhist monk. तो जो परम पावन जी जो अपने आप को अपने एक he has consistently advocated एक सामान्य भिक्षु मानते हैं, तो अक्सर ये परम पावन जी करुणा अहिंसा और फिर जो हिंसा की बातें उनको उसके बारे में उसको कम करने के बारे में बात करते हैं। तो परम पावन जी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, और परम पावन जी कई देशों में 67 से अधिक देशों में गए, और इसके अलावा और जिनको के परम पावन जी जो अंतरधार्मिक सद्भाव करना उसके बारे में जाने जाते हैं, और परम पावन जी 110 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं, और लोगों के लिए उनका जो जीवन है लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। And listen to his thoughts on compassion. As a pharmaceutical company, Dr. Reddy's, we are very proud to be associated with this conversation. तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं परम पावन जी के साथ आज यहाँ पर इस मीटिंग में सहभागिता कर पा रहा हूँ। तो जितने भी जो एस्पेक्ट्स हैं जो भी तरीके हैं supplies of critical medicines going और वो किस प्रकार से लोगों का हित हो सके इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके लोगों का भला कर सकें। तो हमने इस करुणा के इस दौरान इस महामारी के दौरान हमने जो पाया कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं और अन्य लोग हैं लोगों की मदद कर पाए, तो हमारे डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन के द्वारा तो जहाँ तक हेल्थ केयर वर्कर्स की अगर बात कहें तो वो निरंतर रूप से कार्य करते रहे। तो जहाँ तक जो सिचुएशन है, हालांकि सभी के लिए इस प्रकार की गंभीर समस्या रही है, तो हम लोग की कोशिश यही है कि ऐसी अवस्था में ये लोगों का हित कर सकें, मैनेज कर सकें। तो परम पावन जी शुरुआत करने से पहले आपको मैं 86वें जन्मदिन की शुभकामना देना चाह रहा हूँ कि आपका जो जन्म कल था, तो आपका जो जीवन है लोगों के लिए करुणा के रूप में रही है, और आप करुणा के एक प्रतीक रहे हैं। Showing compassion to others in pain and challenge, in pain and suffering is quite a challenge for all. तो आज के समय में अगर देखा जाए तो ऐसी दुख भरे दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। May I request your holiness to share your thoughts?
on compassion in healthcare for about 15-20 minutes. Lenge lege do. And then we can ask the questions. तो मैं परम पावन जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखें. नमस्ते. नमस्ते. Trustele. Trustele. Good morning. I really appreciate you give me this opportunity. तो मैं आज आपने जो हमें अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं बहुत ही प्रशंसा कर रहा हूँ. India is my home. I born in Tibet. मैं भारत को अपना राष्ट्र मानता हूँ, एक प्रकार से घर मानता हूँ. मेरा जन्म तिब्बत में हुआ, लेकिन मेरे जीवन का अधिकांश जो अंग है वो अर्थात अधिकांश समय है भारत में व्यतीत हुआ. Found very pleasant, peaceful. और जहाँ तक पिछले कई वर्षों से रह कर के मैंने पाया है कि जो यहाँ का जो जो भारत की जो व्यवस्था की बात करें, धार्मिक सद्भाव की बात अगर करें, तो वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बृहद रूप से है. लोग एक दूसरे के साथ से स्वतंत्रता रूप में खुशी खुशी रहते हैं. मीडिया, न्यूज़पेपर. और जहाँ तक मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया भी स्वतंत्र है. तो जो भी मैं चाहता हूँ या मैं जो कहना चाहूँ उसको मैं अपनी बात को रख सकता हूँ, रख पा रहा हूँ. ऐसी बात नहीं है कि ये मेरी जो बात है केवल भारत तक सीमित हो. तो मेरी बात या आवाज़ दुनिया में भी सुनी जाती है, लोग उसको सुनते हैं. तो मैं वास्तव में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि भारत का, भारत सरकार का मैं अतिथि हूँ. और मैं शायद सबसे लंबे समय तक रहने वाला एक अतिथि हूँ, भारत सरकार का लंबे समय तक रहने वाला अतिथि हूँ. तो इस जो गेस्ट का या फिर एक मेहमान की यही आदत होती है कि किसी प्रकार की समस्या पैदा ना हो, न करे. तो अभी तक मैं खुशी खुशी यहाँ पर रहा हूँ और मुझे काफ़ी प्रसन्नता है, सहूलियत भी है. आई वॉन्ट टू थैंक फर्स्टली यस्टरडे. तो मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल मेरा जन्मदिन था. तो और बहुत सारे लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी. आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी. तो आज इस अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे समझे एक प्रकार शुभकामनाएं दी. इसके साथ साथ कुछ नेतागण का और अमेरिका के नैन्सी पेलोसी ने भी आपको जो है शुभकामनाएं दी, मुझे शुभकामनाएं दी जो कि स्पीकर हैं. सिंस आई नो हर, तो मैं उनको पिछले बहुत समय से जानता आ रहा हूँ और वो बहुत ही लिप सर्विस. तो ऐसी नहीं है कि केवल वो बात करते, सिर्फ बात करती ऐसी महिला नहीं है. वो तिब्बत में भी गई और फिर वहाँ पर जाकर के जो स्थानीय जो चाइनीज नेतागण हैं उनसे उन्होंने बात भी की. तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लॉन्ग टाइम सपोर्टर्स जो कि हमारे लंबे समय से एक प्रकार से देख गए तो हमारे सहयोगी रही हैं, सपोर्ट करने वाले रहे हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे लोग विश्व के इंडियन प्राइम मिनिस्टर होते, इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ. उसके अलावा बहुत सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, बहुत सारे लोगों ने हमें शुभकामनाएं दी और बहुत सारे हमारे मित्रों ने जो हमें संदेश दिए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जन्म दिवस के अवसर पर मुझे एक प्रकार शुभकामनाएं प्रदान की हैं. फ्रेंडली एक्सप्रेशन आई डू नॉट कंसिडर जस्ट अ डिप्लोमेटिक समथिंग. तो मैं इसे कोई राजनीतिक तौर पर नहीं देख रहा हूँ. सिंसियरली तो मैं एक इन लोगों की भावनाओं के रूप में मैं कह रहा हूँ
कि जिन्होंने अपने एक सद हृदय से जिन्होंने भी मुझे शुभकामनाएं दी हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका मैं साधुवाद करता हूं। और जो लोग मेरे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, ये मानते हैं कि हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, और ऐसे लोगों ने, आप लोगों ने जो मेरी दीर्घायु के लिए कामनाएं की, उन आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। तो आप लोग जिस प्रकार से आप लोग हमारे जो प्रार्थना कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, तो मुझे भी इससे एक आत्मबल मिलता है कि मुझे और लंबे समय तक रहना चाहिए, जितना जीवन दीर्घायु हो सके उतना में रहना चाहिए, क्योंकि लोगों की चाहत है, आप लोगों की चाहत है। तो कुछ हमारे जीवन के जो एक जो भविष्यवाणियाँ हैं, तो उसमें कहा गया है कि हमारे मेरा जो जीवन है कि मेरा 110 वर्ष तक या 113 वर्ष तक रहेगा। तो लोग जो एक अच्छे विचार के तरीके से हमारे सम्मान करते हैं और कामना करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि मैं दीर्घायु को प्राप्त कर सकूं, तो उसी प्रकार से मैं भी एक प्रकार से दृढ़ संकल्पित हूं कि मैं भी लगभग 110 वर्ष तक तो रह सकूं, जीवित रह सकूं। तो इसके प्रति मैं एक दृढ़ संकल्पित भी हूं, इस प्रकार से मेरी उम्मीद भी है। और मैं भारत सरकार के गेस्ट होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर रह करके काफ़ी प्रसन्न हूं। तो हर दिन जो हमारी प्रार्थना है, तो इस पूरे दिन में हमारे दिनचर्या के समय में देखें तो कुछ घंटे या कई घंटे मैं प्रार्थना करता हूं। और जो भी जो ध्यान साधना की विधियां हैं, ये भारत की परंपराएं हैं, और इसके अलावा भी मेरा जो अध्ययन, उसको मैं मानता हूँ। तो मेरे एक DSP जो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप नालंदा की जो बात करते हैं, तो नालंदा के एक आप एक प्रकार चांसलर के रूप में, तो मैं वास्तविकता के तौर पर देखूं तो मैं एक साधारण भिक्षु हूं, और दूसरी बात कि मैं शरणार्थी भी हूं। और फिर जहाँ तक मैं अपने ज्ञान की बात करूं, अभ्यास की बात करूं, तो उसका मेरा अध्ययन अध्यापन नालंदा परंपरा के माध्यम से हुआ है। तो 8वीं शताब्दी से समय से देखें कि तिब्बती राजा ने भारतीय विद्वान, उस समय के प्रकांड विद्वान जो कि नालंदा के विद्वान थे, तो राजा ने शांत रक्षित को तिब्बत में आमंत्रित किया, और उन्होंने तिब्बत में नालंदा परंपरा के अनुसार बौद्ध धर्म की स्थापना या फिर परिचय जहाँ तक किया जाए, धर्म का परिचय कराया। तो मैं अपने आप को नालंदा का एक छात्र मानता हूँ, और इससे थोड़ा सा बढ़ा के अगर देखा जाए तो नालंदा परंपरा को अपने आप को एक विद्वान के रूप में भी मानता हूं। तो मेरे प्रिय मित्र DSP, जैसा कि मुझे नालंदा का चांसलर के नाम दिया, तो उसी प्रकार से ऑल दिस नॉलेज, तो जो भी मेरा ज्ञान है, जो भी मेरा जो आज मैं आपको बता पा रहा हूं या मैंने सीखा है, वो भारत से आया हुआ है। तो दार्शनिक तरीके पर देखा जाए तो ये काफ़ी एक प्रकार से जटिल है, गंभीर है, तर्क पर आधारित है, प्रमाण पर आधारित। तो प्रमाण के आधार पर ये व्यवस्था है, तो इसको केवल हम श्रद्धावश नहीं मान सकते हैं, तो इसके कारण क्या है, क्या वजह है, उस प्रकार से जांच पड़ताल की जाती है। तो पिछले कुछ दशकों से में आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो हालांकि वो कोई धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके साथ धर्म क्या कहते हैं कि एक प्रकार से उनसे वार्ता कर सकते हैं, वो तार्किक तौर को अपना सकते हैं। डिस्कशन विद मॉडर्न साइंटिस्ट, तो जहाँ तक आधुनिक वैज्ञानिकों की बात करें तो वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं, उनके अपने विषय होते हैं, तो उसमें भी मन में किस प्रकार से शांति आ सके,
अबाउट फिजिकल हेल्थ, वो जहाँ तक वैज्ञानिकों की, आधुनिक विज्ञानों की बात करें तो वो ज़्यादातर कि कायिक विकास कैसे हो, भौतिक विकास कैसे हो, इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन उनके पास मन की शांति कैसे आ सके इसके बारे में बहुत ज़्यादा शोध कार्य या इस प्रकार के बहुत तरीके नहीं हैं जिससे बता सकें। तो इस वजह से बहुत सारे जो वैज्ञानिक लोग हैं आज, जो हम लोगों का जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, बौद्ध मनोविज्ञान है, उसकी प्रशंसा करते हैं कि जब हमारा मन विचलित होता है उस समय हम अपने मन को कैसे सुरक्षित कर सकें, किस प्रकार से हम अपने शुद्ध कर सकें, दवाओं के माध्यम से नहीं, सोच विचार के माध्यम से, बौद्ध मनोविज्ञान के माध्यम से किस प्रकार से हम अपने आप को शांत में अवस्था में ला सकें। तो इस वजह से बहुत सारे मेरे जो वैज्ञानिक मित्र हुए हैं तो उनसे बहुत मेरे लिए भी लाभदायक हैं और एक दूसरे से लाभ प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए, परंपरा के तौर पर देखा जाए तो हम लोग श्रद्धा अनुयायी ज़्यादा है, जैसे कि कह देते हैं कि बुद्ध ने कहा है, हमारे गुरु ने कहा है, तो इस प्रकार से हम रहे हैं। लेकिन नालंदा परंपरा के अनुसार अगर आप तार्किक तौर पर चलेंगे, जिसमें हमेशा हम जो के उस पर शास्त्रार्थ करते हैं, यहाँ तक कि कुछ बुद्ध के वचनों को भी जब हम उनके परीक्षण करते हैं, परीक्षण के माध्यम से अगर वो विरोधाभासी आवासित हो तो उसको हम नकार भी सकते हैं। तो बुद्ध ने खुद कहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ए मेरे विद्वानों, भिक्षुओं, तो मेरे वचनों को आपको शब्द से नहीं मानना है, श्रद्धावश नहीं मानना है, आपको मेरे वचनों को परीक्षण करना चाहिए। आप परीक्षण करें, आप शोध उसमें करें कि मेरे वचन उचित हैं, तो उनको आप स्वीकार कीजिए। लॉजिकल अप्रोच, तो इस प्रकार से अगर विचार करेंगे तो इसमें हमारी जो तार्किक विधि है, सोच विचार की विधि है, वो आपको समझ में आ सकती है। तो इससे एक प्रकार से करुणा और जहाँ तक इस करुणा का एक बल प्राप्त होता है, इससे एक आत्मबल प्राप्त होता है। और जब आपके अंदर करुणा होगी तो ये जो डर है, ईर्ष्या है, भय है, इससे इसके एक प्रकार से इसको अगर करुणा होगी तो इनको नष्ट करेगी। तो करुणा भारत में अगर इसका अभ्यास दे, कई हजार वर्षों से परंपरा चली आ रही है, तो ये कोई श्रद्धावश नहीं है, इसको आपको कारणवश मानना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आपका अभ्यास होगा करुणा के प्रति, जितना ज़्यादा आपका अभ्यास होगा तो उसी प्रकार से अहिंसा भी पैदा उत्पन्न होगी। अहिंसा एंड करुणा, दीज टू थिंग्स, तो भारत की जो हजारों वर्ष प्राचीन करुणा और अहिंसा का जो सिद्धांत है, ये हमारे अभ्यास के जो मेरे मूल अभ्यास हैं उसके अंग हैं। और आज के समय में विश्व को करुणा और अहिंसा की आवश्यकता है। और आज के इस वक्त में अगर देखें तो बहुत सारी समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, तो पर्यावरण की जो समस्या है वो एक प्रकार से इसके हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा हमारी बहुत सारा मानव निर्मित जो समस्याएं हैं वो करुणा और अहिंसा में कमी होने की वजह से उत्पन्न हुई हैं। तो मैं भारतीय सरकार का अतीत होने के नाते तो पिछले कई दशकों से मैं पूर्ण रूप से अहिंसा के सिद्धांत के प्रति मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। और मेरा जीवन जब तक रहेगा तो शायद 10-15 वर्षों, 10-20 वर्षों के दौरान जो मेरा जीवन बचेगा, तो इन 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 दोनों चीज़ों को, करुणा और अहिंसा को मैं और विस्तारित करूंगा और फैलाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि वो श्रद्धा अनुसार कहा जा रहा है इस प्रकार से करूं, कारण सहित कि इसकी ज़रूरत क्या है। और भारत की जो परंपरा धर्म निरपेक्ष की जो सिद्धांत है, तो वो कोई धर्म की बातों को न लेकर के तार्किक तौर पर उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगे। तो धर्मनिरपेक्ष की बात यही है कि आप एक दूसरे की सम्मान करें, और ये स्वतः उत्पन्न होगा। अगर आप धर्मनिरपेक्ष विचार लेके चलेंगे, करुणा का अभ्यास करेंगे, तो धर्मनिरपेक्ष या धर्म के एक बिना भेदभाव किए एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। तो विश्व की जितने भी बड़ी बड़े परंपराएं हैं उनका सम्मान कर सकते हैं।
तो धार्मिक, जहाँ तक दार्शनिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो अलग अलग होते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार कोई कर्ता नहीं है, इन दोनों परंपराओं के अनुसार हम स्वयं ही अपने निर्माता या खुद ही कर्ता हैं। तो इसके अलावा अन्य हैं जो कि किसी ईश्वर या अन्य शक्ति को मानते हैं, लेकिन जहाँ तक संदेश की बात करें, अन्य धर्मों के संदेश के बारे में बात करें, तो सबका संदेश करना और प्रेम इस प्रकार से रहता है। तो इसके माध्यम से हम कैसे वैश्विक जो सुख शांति है उसको हम पैदा कर सकते हैं। विश्व के सभी धर्म यहाँ पर हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार की जो धार्मिक सद्भाव है वो बहुत ही अच्छा है, अच्छी बात है। तो मेरा हालिया जो मेरे हाल की प्रतिबद्धता है, तो उसके तो मेरा जो कुछ अनुभव है और जो ज्ञान है वो भारत से आया हुआ है, तो मैं वास्तव में इस ज्ञान को, इस भारतीय विचारधारा को धर्म निरपेक्ष के माध्यम से पुनर्स्थापित करने की कोशिश में हूँ। और भारत के जो प्राचीन, जो भारत का जो आधुनिक है, जो शिक्षा पद्धति है, वो पाश्चात्य के द्वारा प्राप्त एक प्रकार से परिचय कराया गया, जो भौतिक विकास पर आधारित है, तो ये भी अच्छा है और जानकारी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ प्राचीन भारतीय विद्या, अहिंसा और करुणा, इसको भी साथ साथ जुड़ना चाहिए। उसके साथ साथ ध्यान साधना, समथ और विपस्सना, इन दोनों को भी शिक्षा पद्धति में या हमारे जो शिक्षा दी जा रही हैं उसमें डालना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि पिछले जो शताब्दी में अगर देखें तो महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपने आचरिया के माध्यम से लोगों में दिया, अपने चर्या के माध्यम से लोगों के बीच में रखे। तो आप साउथ अफ्रीका, अमेरिका, तो बहुत कई जगह पर आप देखें तो बहुत सारे चिंतक लोग हैं। तो यहाँ तक कि कुछ जो कि राजनीतिक लोग हैं वो भी महात्मा गांधी के जो अहिंसा का सिद्धांत है और जो उनका एक जो उनकी विचारधारा रही है उसको मानते हैं। जैसे कि आप भी सब टूटू को देख लें, अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग को भी देखें, तो ऐसे लोग हुए हैं जो कि महात्मा गांधी के जो सिद्धांत हैं, उनके जो अभ्यास जो उन्होंने किए उसको मैं मानता हूँ। तो एक बार गांधी जी, सो ही इवन वांट टू ड्रेस लाइक इंडियन, एक बार ये भी देखा कि मार्टिन लूथर किंग जिस तरह प्रकार से गांधी जी कपड़े पहनते थे, उस प्रकार से उन्होंने भी प्रयास किए। महात्मा गांधी के जो अहिंसा के सिद्धांत है उनको भी बहुत सारे लोगों ने माना। तो कभी कभी समय समय पर कुछ ऐसे जो मनमुटाव या इस प्रकार से होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो करुणा और मैत्री के जो संदेश हैं आज भी अच्छी तरह से व्याप्त हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि प्राचीन और आधुनिक जो दर्शन है, जो ज्ञान है, जो विद्या है, उसको साथ साथ जोड़ना चाहिए, साथ लेकर के चलना चाहिए, दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो जब ये बीमारी कोरोना की जो बीमारी है वो ख़त्म होगी, तो उस समय मैं दिल्ली आना चाहूँगा और दिल्ली आकर के प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करूँगा, अन्य लोगों से मिलने की कोशिश करूँगा। और मैं काफ़ी एक प्रकार से इच्छुक हूँ कि जो एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं उनसे मिलना चाहूँगा कि किस प्रकार से आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा को साथ में जोड़ा जा सके। डेडिकेटेड वेरी मच फॉर थिंकिंग लाइक दैट। Yes. Now, the compassion in healthcare. तो जो कोई विषय है,
हमारे स्वास्थ्य सेवा उसमें करुणा का कैसे अभ्यास हो, उसमें क्या योगदान हो. टू मच डिस्टर्ब आवर माइंड, क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से विचलित होता है, हम परेशान होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना या उसकी वजह से निद्रा ना आना, नींद ना आना, लोग परेशान रहते हैं. सो पीस ऑफ माइंड, तो जब आपका जो मन है, अगर मन आपका शांत होगा तो वो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है. बिकॉज पीस ऑफ माइंड, सो एवरी नाइट 9 hours वेरी साउंड. तो मैं अपना उधार दूं तो मैं हर रोज लगभग 9 घंटे तक सोता हूं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. जो हमारी नींद है वो पर्याप्त होनी चाहिए. When I visited there, तो एक बार जब मैं पूर्वी भारत में जा रहा था, एक मंत्री से मैं मिला from Delhi, he also visit there. तो वो भी वहाँ पर गए, दिल्ली से थे तो वो भी वहाँ गए. तो कुछ दिनों में हम लोग मित्र बन गए. तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तो मेरे आराम के बारे में पूछा, नींद के बारे में पूछा. तो मैंने कहा कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं 9 घंटे सो करके आया हूँ और गहरी नींद लेकर के आया हूँ. तो फिर उसके बाद कुछ घंटे ध्यान किया. पीस ऑफ माइंड डेवलप, तो इस वजह से हमारे मन की शांति पैदा उत्पन्न हुई है. तो मुझे परवाह नहीं है कि क्या समस्या है, क्या दुविधा है, तो मैं फिर भी अपने मन को शांत रख सकता हूँ. तो इसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य भी सही अच्छा है. तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के वजह से तो वो कुछ ही घंटे, लगभग 4 या 5 घंटे ही सो पाते हैं. एंड देन ही रियली विश मोर स्लीप, तो वो उम्मीद करते हैं कि वो और सो सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है. तो मैं मानता हूं कि चाहे राजनीतिक हों, चाहे आप बिजनेसमैन हों, या फिर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, तो नींद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. फॉर दैट पीस ऑफ माइंड रियली, तो नींद जरूरत है, क्योंकि अगर मन की शांति अगर आप चाहते हैं तो इससे बहुत बड़े पैदा जो अंतर पैदा होते हैं. आपको अच्छी तरह से सोना चाहिए. फिजिकल कंडीशन बिकम नॉर्मल, और आपके जो शारीरिक आपकी जो व्यवस्था है अच्छी तरह से है. या आप अच्छी तरह से अगर आराम करेंगे तो मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे. एवरीबॉडी टेक केयर ऑन इट्स ओन. तो सभी लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं. सभी लोग कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को अच्छा रख सकें. फिजिकल हेल्थ, तो हमें अब जो है जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें और मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, दोनों को हमें रख रखाव करने की आवश्यकता है. तो भारत इसको अगर मानसिक हेल्थ या फिर इसको अगर आप रख रखाव करना चाहते हैं, तो भारत की प्राचीन जो सभ्यता है, जो व्यवस्था है, करुणा और अहिंसा, ध्यान साधना, इसका उपयोग करने की जरूरत है. तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि महात्मा गांधी जी ने भी विश्व को अहिंसा के सिद्धांत को दिखाया, अपने अभ्यास में उसको रखा. तो आज के समय में कोशिश करनी चाहिए कि अब जो हमारी शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें करुणा को जो सिद्धांत है, जो ध्यान के जो विधियां हैं, विपसना इत्यादि की विधियां हैं, वो अपनी शिक्षा में हम डाल सकें. तो प्राचीन आधुनिक शिक्षा जरूरी है, उसके साथ साथ प्राचीन जो विद्या है उसको भी रखना चाहिए. तब इसके बाद अब हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे. आप लोगों से आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं. आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन एंड देन वी विल टेक इट टू सम ऑफ आवर पैनलिस्ट. टुडे वेरी लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स. तो आज के समय में देखें कि बहुत सारे मरीज, डॉक्टर और अन्य लोग जो समय के अभाव में लोगों के प्रति करुणा इत्यादि नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हर एक डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा
कर काम है तो वो उतने तसल्ली से नहीं देख पा रहा है, पर मरीजों की मदद नहीं कर पा रहा है। तो मेरा प्रश्न है कि जो मेडिकल क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र है, तो वो ऐसी बिजी समय में, ऐसे व्यस्त समय में लोगों को कैसे मदद कर सकें, कैसे उनको करुणा दिखा सकें, और कुछ उनको तो कुछ ही मिनट मिलते हैं, तो ऐसे कुछ मिनट में उनके साथ करुणा का आदान प्रदान कैसे करें। तो मैंने जैसा कि पूर्व में कहा कि अगर आप गहराई से सोचते हैं, चाहे आप कोई भी, आपका व्यवसाय कोई भी हो, किसी भी प्रकार का आपका व्यवसाय क्यों ना हो, तो जब भी आपका मन विचलित हो, जब आप परेशान हो, तो उस समय में आपका जो करुणामयी जो चित्त है, मन है, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो जो डॉक्टर हैं या जिस फील्ड में काम करने वाले हैं, तो उनको मानना चाहिए कि उनका जो कार्य है वो बहुत ही पवित्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली दे फील्ड ऑफ हेल्थ, खास करके जो चिकित्सा के क्षेत्र हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, तो उनको अपने कार्य को एक प्रकार से ऐसा मानना चाहिए कोई आध्यात्मिक या पुण्य कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से सोचें। ऐसा ना सोचें कि ये तो मेरा व्यवसाय है, मेरा कार्य है, मेरी ड्यूटी है, नौकरी है, इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने कर्म को जैसे कि एक आपकी पूजा है, इसके रूप में अगर आप देखें, जैसे कि डॉक्टर लोग और नर्स लोग हैं, जो इन्होंने अभी तक लोगों की देखभाल जो की है और देखभाल कर भी रहे हैं, तो आपने अपने आप के अपने मन को शांत रखते हुए, अपने चित्त को शांत रखते हुए उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं अपने अनुभव एक प्रकार से अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, he might carry some experiment on my body. तो मैंने देखा कि when you see checking me, तो कभी कभी जब डॉक्टर मेरा परीक्षण जब करते हैं, तो वो बड़े प्रसन्नता के साथ साथ मेरे परीक्षण कर एक प्रकार से परीक्षण करते हैं, खुशी खुशी जब करते हैं, तब मुझे भी खुशी होती है कि ये डॉक्टर तो मेरी बहुत ही अच्छी तरह से मदद कर रहा है, तो मुझे भी आत्मबल मिलता है। जब कोई डॉक्टर या नर्स मुस्कराता है, तो उस समय लगता है कि इसके अंदर करुणा है। तो उसी प्रकार से जब आप किसी अन्य व्यक्ति का भी आप मुस्कुराहट के साथ अच्छे से उसकी देखभाल करोगे, तो ये वास्तव में एक जो आपका जो अभ्यास है, जो कार्य है, वो बहुत अच्छा होगा। उस मरीज को भी आपकी मुस्कुराहट से लाभ होगा, उसको जो भी बीमारी है उससे निकलने में आसानी होगी। डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स समटाइम्स पेशेंट, तो हम लोग जब हम अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम मरीज को कभी नहीं बचा पाते हैं। और मेडिकल क्षेत्र में हम लोग बहुत ऐसे चीज़ें सामने आ जाती है, तो हमारा प्रश्न यही है कि हम किस प्रकार से अपने प्रेम, करुणा, मैत्री और मरीजों के प्रति रख सकें, और वो समझ सकें कि हमारे प्रति डॉक्टर और नर्स जो करुणा हमारे ऊपर कर रहे हैं, ये कैसे हम कर सकें। Now soon die. तो जो व्यक्ति या जो मरीज है जो कि अभी मरने वाला है, और जो जिसके आसपास डॉक्टर और नर्स हैं, अगर डॉक्टर और नर्स उसके प्रति एक उचित व्यवहार करेंगे, तो भले ही व्यक्ति मरने के कगार पर है, फिर भी उसका जो मन है, जो चित्त है, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित होगा। तो मैं अपनी परंपरा के अनुसार कहूँ, भारतीय परंपरा के अनुसार अगर कहूँ, हम लोग बौद्ध धर्म के अनुसार कहूँ तो जीवन पर दर जीवन की बात करते हैं, पूर्व पर जन्म की बात करते हैं। तो मन लोगों का मानना है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, उस समय मन शांत होना चाहिए, और मृत्यु के समय अगर हमारे मन में बहुत ज़्यादा भय, क्रोध या घबराहट होगी, तो वो ठीक नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में जो भी डॉक्टर या नर्स जब व्यक्ति के पास होते हैं, तो उनको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि उनको मानसिक सुख प्रदान करने की कोशिश करें, उनके प्रति करुणा दिखाएं, मैत्री दिखाएं। करुणा वेरी हेल्पफुल। अगर इस प्रकार से कोई डॉक्टर या फिर नर्स अभ्यास करते हैं, तो उनको लाभ होगा।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का जो जीवन है वो माँ के प्रेम और सानिध्य में होता है, शुरू होता है, तो यही तो करना है। और जब हमारा जीवन अंत की अवस्था में हो तब भी अगर करुणा का माहौल हो तो इससे बड़ा या इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो भारत की हजारों वर्ष प्राचीन परंपरा जो करुणा है, जो हमारे जीवन के शुरुआत से है और हमारे जीवन के अंत के लिए, अंत के समय में भी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी हमारे compassion, जो भी हम हमारे जो कार्य के क्षेत्र हैं वो करुणा से युक्त होने चाहिए, अहिंसा से युक्त होने चाहिए, उसके साथ साथ होने चाहिए। Sometimes we all face situations which create, तो कभी कभी हम लोगों को ऐसे सिचुएशन आती हैं कि नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं और नकारात्मक भावनाएं लोगों के साथ में जो व्यवहार है उसको बदल देते हैं। तो सत्यता क्या, उसको हम नहीं पकड़ पाते। तो हमारा प्रश्न ये है कि जब ऐसी स्थिति हो उस समय जो हमारे नकारात्मक विचार आते हैं उनको कैसे रोका जा सके और इनके प्रभाव में ना आ पाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जहाँ तक हमारे जो 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 तृष्णा है, लगाव है, क्रोध है, वो हमारे जीवन का एक अंग है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम अपने जीवन को देखें, मानसिक स्तर पर देखें, तो इस पर भी कुछ भावनाएं पैदा होती हैं और वी शुड पे अटेंशन अबाउट। हम लोग कोशिश करना चाहिए, जो करुणा है, अहिंसा है, उस पर ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके जो हमारी आंतरिक जो सुख है, देन ऑटोमेटिकली एंगर अटैचमेंट कैन रिड्यूस। तो अगर आप जितना ज़्यादा करुणा मैत्री रखेंगे उतने ही आपके जो कि जो लगाव हैं, तृष्णाएँ हैं, वो कम होते जाएंगे। और से सेंटेंट बीइंग्स इमोशन इंक्लूडिंग एनिमल, तो यहाँ तक करुणा है, करुणा का अभ्यास करने से चाहे जानवर हों, चाहे चिड़ियाँ हों, जो भी हैं उस पर भी अगर आप करें तो निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। हालांकि अगर इनको, इन जीवधारियों को देखें तो उनमें इतनी सोच विचार क्षमता नहीं है जितनी कि हम मनुष्यों के पास होती है। तो पिछले हजारों वर्षों से अगर आप देखें तो अहिंसा, करुणा, इस पर बहुत सारे शोध हुआ है। तो मनुष्य होने के नाते जो हमारे मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, प्रज्ञा है, उसका उपयोग होना चाहिए। एंड फियर हाउ मच डैमेज, तो आपके जो क्रोध है और डर है उससे हमें कितना नुकसान पहुंचता है, ये हमें जानने की कोशिश करना चाहिए। तो इसके विपरीत जो करुणा और धैर्य, इससे हमें कितना लाभ हुआ है, ये हमारे लिए कितने लाभदायक हैं, इसका भी हमें जांच पड़ताल करना चाहिए। मस्ट यूटिलाइज, तो हमें अपनी प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए कि किस प्रकार से, किस प्रकार का जो भावना हमारे लिए हानिकारक है, किस प्रकार की भावना हमारे लिए लाभदायक है, तो ये हमें विचार करना चाहिए और इनमें संतुलन बनाने की कोशिश करना चाहिए। जो भी नकारात्मक और सकारात्मक विचार हैं उनको समझना चाहिए। तो भारत के बहुत सारे जो प्राचीन जो विद्वान हुए हैं और उनके जो रचनाएं हैं और आचार्य, खासकर उसमें भी आचार्य शांतदेव की आप जो रचना है उसको आप अगर आप पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को अगर आप पढ़ते हैं जो कि बोधचर्या अवतार में नामक ग्रंथों की रचना की है, तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो क्रोध है, ईर्ष्या है, वो कितना हानिकारक है, उसके विपरीत जो करुणा है वो कितनी लाभदायक है। So you see, thinking, reason, और क्षमा करना कितना लाभदायक है, human brain, तो उसमें हम अपने मानव जीवन का
सही रूप में सही मार्ग में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इसमें कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से हमारी जो भावनाएं हैं उनको हम ये समझ सकते हैं। तो मैं अपने दैनिक अभ्यास की बात करूं तो मैं भी जो भारतीय विद्वानों के द्वारा जो बताया गया है, जो व्याख्या की गई है, उसको मैं सोचता हूं, उसका अभ्यास करता हूं, तो ये बहुत ही लाभदायक है। इस और मैं भी वो धर्म निरपेक्ष के आधार पर देखता हूं। हालांकि ये जो ग्रंथ हैं वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी आप उसको अगर आप धर्म निरपेक्ष के रूप में भी रख करके देखें, उनको समझना चाहें, तो आप समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। तो अगला प्रश्न डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, जो कि चेयरमैन एशियन, जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ओवर टू यू डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी, तो There is so much diversity of faiths across the world. तो इस दुनिया में जो धर्म है उसमें बहुत सारे अंतर हैं। तो जो भी लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं तो वो उसी हिसाब से अपने कार्य करते हैं। मेरा प्रश्न है कि अपने जो श्रद्धा और विश्वास है उसको रखते हुए हम लोग वैश्विक रूप से एक साथ कैसे आ सकें। As I mentioned earlier, India is the example. तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि भारत एक उदाहरण है। जितने भी भारत की जो परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, बड़ी परंपराएं, वो भारत में साथ साथ रहती हैं, एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ रहते हैं और कभी कभी एक दूसरे से सीखती भी है। तो ये भारत की एक परंपरा है, एक संस्कृति है। तो आप देखिए कि भारत में जितने भी बड़ी बड़ी धार्मिक परंपराएं हैं वो साथ साथ हैं। मुस्लिम शिया एंड सुन्नी, तो उदाहरण के रूप में मैं अगर शिया और सुन्नी का उदाहरण दूं, इस्लाम धर्म की बात करूं, तो आप पड़ोसी अपने देश में देखें कि उसमें थोड़े थोड़े समस्याएं हैं, पड़ोसी राष्ट्रों में हैं, लेकिन भारत में मैंने कभी नहीं सुना कि शिया और सुन्नी समुदाय में झगड़े हों, समस्याएं हों, बड़े झगड़े या ऐसे होते हैं, मनमुटाव हूँ, तो ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। अकॉर्डिंग द अहिंसा एंड द करुणा, सो भारत की जो अहिंसा और करुणा का जो दर्शन है, जो विचारधारा है, वो कई हजारों वर्ष प्राचीन है। और धर्म की जहाँ तक बात करें तो लोगों का अपना अपना, अब लोगों की अपनी अपनी स्वतंत्रता है, किस पंथ को मानता है, किस धर्म को मानता है। तो अब वक्त है कि हमको साथ साथ आना चाहिए और विश्व के अन्य लोगों को भी दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, विश्व के लोगों को बताना चाहिए कि हमारे जो धर्म की परंपराएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, वो अपने अपने व्यक्तिगत विषय के आधार पर हैं। लेकिन जहाँ तक धर्म की बातें करें तो हमको एक दूसरे, एक जहाँ तक करुणा और मैत्री की बात करें तो एक साथ रह सकते हैं। और भारत में देखें कि करोड़ों की संख्या है, करोड़ों की संख्या, आबादी या संख्या होने के वजह बाद भी लोग यहाँ पर सद्भावपूर्ण रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया सिंस यू सी रिलीजियस हार्मोनी ऑलरेडी देयर, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल रीजन। तो जो भारत की जहाँ तक जो धर्म निरपेक्षता है वो यहाँ पर है, परंपराएं यहाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कोई राजनीतिक तौर की तौर तरीके की बात कर रहा हूँ या राजनीतिक रूप से सद्भाव दिखाने की आवश्यकता, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये भारत की विशेषता है। आप पड़ोसी देश देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, वहाँ कुछ समस्याएं होती रहती हैं, पाकिस्तान में भी धर्मों के बीच में समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन भारत में ऐसी समस्या आप नहीं देखेंगे। तो आप देखें कि भारत विश्व का दूसरा जो कि बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है, यहाँ पर धार्मिक जो सद्भाव है पिछले कई कई सैकड़ों वर्षों से यहाँ स्थापित है। तो अन्य राष्ट्रों को भी भारत की इस परंपरा को, जो तौर तरीके, उसको समझना चाहिए कि धार्मिक सद्भाव कैसे रख सकते हैं, साथ साथ कैसे आ सकते हैं। तो मैं भी धार्मिक सद्भाव को एक प्रकार से इसका उद्धार करने के लिए भी मैं भी इसमें कार्यरत हूँ।
जैसे कि बौद्ध धर्म के में बातें करें तो इसमें चार दर्शन, स्वतांत्रिक, वैवासिक और ज्ञानवादी, माध्यमिक, तो इन चारों सिद्धांतों के में भी बहुत अन्य विचार होते हैं। तो मैं सभी के साथ साथ मिलता हूँ, ये सभी परंपराओं के लोग साथ साथ रहते हैं। जैसे एक परंपरा के आधार पर श्रीलंका के भिक्षु भिक्षुणियों से मिलता हूँ, थाईलैंड के भिक्षु और भिक्षुणी से मिलता हूँ, बर्मा इत्यादि के जब इनसे मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो वो हम सभी एक ही भगवान बुद्ध को, तथागत बुद्ध को मानते हैं। लेकिन दार्शनिक रूप में अगर आप बात करें, दर्शन की अगर बात करें, तो थोड़ा थोड़ा अंतर या फिर अलग विचारधारा हो सकती है। उसी प्रकार से अन्य धार्मिक परंपराओं में अगर आप देखें, तो जहाँ तक दार्शनिक आधार पर विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, कुछ ईश्वर को मानते हैं, कुछ ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो ये व्यक्तिगत अभ्यास है, व्यक्तिगत लोगों की एक प्रकार से जरूरत है। लेकिन सामान्य तौर पर देखें, जो सबके हित की बात है, वो करुणा और अहिंसा, जो सभी लोग उसको मानते हैं, सभी इस पर इसके जो लाभदायक लाभ है। तो विभिन्न धर्म परंपराओं की वजह से थोड़ी समस्याएं अलग अलग होती हैं, लेकिन भारत की अगर आप व्यवस्था को देखें, तो भारत की हजारों वर्ष की प्राचीन जो धार्मिक सद्भाव है, इसको अन्य लोगों को दिखाना चाहिए, अन्य दुनिया को दिखाना चाहिए। But as far as religious harmony is excellent. तो जो धार्मिक सद्भाव है वो हमारा श्रेष्ठ है, ऐसा लोगों को हम बता सकते हैं, भारतीय दिखा सकते हैं, show the world religious harmony. हम विश्व को बता सकते हैं कि भारत में धार्मिक सद्भाव भली भांति स्थापित है। The next question is from Dr. Mohan. तो अगला प्रश्न डॉक्टर मोहन बी मोहन, दो डॉक्टर मोहन, मोहन डायबिटिक जो सेंटर, डायबिटिक सेंटर के डायरेक्टर हैं। तो डॉक्टर प्रसाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दलाई लामा जी आपको मैं जन्मदिन की शुभकामना देना चाहता हूँ। तो आपने जैसा कहा 113 वर्ष तक आप रहेंगे, तो आप ऐसा रहें, इसके लिए मेरी शुभकामना। तो हम सभी जानते हैं, और आपने भी कहा, मेडिसिन एंड हीलिंग was जो कि दवा और जहाँ से स्वास्थ्य की बात करें, जो सेवा कहते हैं इसको, तो आज के समय में, तो आज बहुत सारे जो जो दवाओं के क्षेत्र में उसको लोग बिजनेस के रूप में ना कहते हैं, तो इसको मना नहीं किया जा सकता है कि अलग अलग अस्पताल पैसा कमाने के लिए इसको बिजनेस के रूप में कर रहे हैं, पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं, मना नहीं किया जा सकता है। तो आज के, मेरा प्रश्न है कि आज के समय में जो दवाएं हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं, तो ऐसी अवस्था में जो डॉक्टर लोग सहानुभूति और आध्यात्मिकता, इन दोनों को साथ साथ रख सकते हैं क्या, उपयोग कर सकते हैं क्या? तो हाँ, हालांकि जो भी मानव का जो कार्य है तो जो भी मनुष्य का कार्य होता है वो मानव के जो जो अफेक्शन है, प्रेम, उसके साथ होना चाहिए। आज अगर देखें कि 7 अरब के आसपास लोग हैं, हम सभी को साथ साथ रहने की आवश्यकता है, हमें एक दूसरे के साथ चलने की आवश्यकता है, और इनके प्रति जो हमारा जो विचार है ये होना चाहिए कि जिस प्रकार से मुझे खुश सुखी सुख की आवश्यकता है, उसी प्रकार से अन्य को भी सुख की आवश्यकता है। तो हम किसी को दुख न दें, दूसरों को नुकसान न पहुँचाएँ। डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज, तो अलग अलग हमारे जो कार्य हैं, अलग अलग जो हमारे विचार हैं, सेंस ऑफ कंपैशन, अगर आप करुणा के माध्यम से अगर आप कार्य करेंगे, तो वो बहुत ही कम नुकसानदायक होंगे। एक्शन, तो मानव का जो भी कर्म है, जो भी कार्य है, और वो दूसरों के हित के लिए अगर हो और सच्ची करुणा पर आधारित हो, सो विद दैट मोटिवेशन, और इस उद्देश्य को लेते हुए, उस भावना को अगर कोई लेकर के चले, तो ये सच्चा होगा, और जो सच्चाई है वो वास्तव में सामने आएगी।
सच्चाई स्थापित होगी और प्रोफेशन, तो जो डॉक्टर लोग हैं, अगर जो व्यवसायी हैं जो इसको अपना व्यवसाय मानते हैं, वो निश्चित रूप से दूसरों का लाभ होगा और ये एक प्रकार से कारगर भी होगा, वो तभी कि जब आप दूसरों के हित के बारे में सोच करके कार्य करें और जो हम की भावनाओं को अगर लेकर चलें तो बहुत ही लाभदायक होता है। तो डॉक्टर की जो व्यवसाय है, जो कार्य है, तो वो अक्सर देखा जाए जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, करुणा से जुड़ा हुआ है, उद्देश्य एक प्रकार से उनके लोगों को उत्साहित करने से जुड़ा हुआ है, तो आपको उसी प्रकार से अपने मन और चित्त को रखना चाहिए। अगला प्रश्न अमीरा शाह, तो जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर क्षेत्र से हैं और एक दूसरा डायग्नोसिस चेन उससे संबंधित हैं, डॉक्टर साहब। And Your Holiness, thank you so much for being here with us today. तो परम पावन जी आप हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We are all being conditioned to accumulate, and we are being conditioned to take more, receive more love, receive more material things. तो आज के अवस्था में हैं कि हम लोग भौतिक विकास को तो बढ़ा ही रहे हैं, and we decide to give back to our communities and our societies. तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि अपने समाज में जाकर के कोशिश तो कर रहे हैं कि उनको लोग हित हो सके, लेकिन फिर भी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस ऐसे लोगों को हम और ज़्यादा कैसे दे सकें, कैसे उनकी और मदद सकें, चाहे भौतिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। आई थिंक एवरी ह्यूमन एक्शन नो मैटर समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो भी मनुष्यों के कर्म हैं तो वो प्रेम और करुणा से पॉजिटिव, और फिर उसके जो मनुष्यों की जो विचारधारा है, जो सोच है, सच्ची सोच है, उसके आधार पर होने चाहिए, चाहे आप लोगों की मदद धन से कर रहे हों या फिर अन्य भौतिक व्यवस्थाओं से आप कर रहे हों, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग किस चीज़ का, कि आपकी जो मानव बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, उसका सच्चा उपयोग होना चाहिए। जब भी आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, तो उस समय अपनी प्रज्ञा का उपयोग ठीक से करना चाहिए। उदाहरण के रूप में कि कोई व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर दारू पीता है, तो उसको अगर और ज़्यादा आप पैसे देंगे तो उसको और ज़्यादा दिक्कत होगी, चाहे जो भी हो, स्त्री या पुरुष जो भी हो। तो इसलिए ऐसे लोगों को आपको देखभाल करने चाहिए। पैसे की अगर बात करें तो एक उसके सीमित होना चाहिए। जो लोग ड्रग ले रहे हैं, अगर ड्रग ले रहा है उसको अगर आप पैसा दोगे तो वो और ज़्यादा ड्रग लेगा, तो ये इस प्रकार से देखा जाए तो वो नुकसानदायक है। तो इसलिए जब भी आप किसी की मदद कर रहे हों, जब भी कोई भौतिक चीज़ों के वस्तुओं से मदद कर रहे हों, तो उस समय आपको अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि वास्तव में हम जिसकी मदद कर रहे हैं वो सच्ची है कि नहीं, वो लंबे समय तक उसको लाभ देगा कि नहीं, तो ये हमें सोच विचार करना चाहिए। तो यहाँ तक करुणा का जहाँ तक अभ्यास है, तो उसको भी अब जो आपकी बुद्धि है उसके साथ साथ जोड़ना चाहिए। तो मानव का जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत एक प्रकार से जटिल होता है। हमें एक साथ तो दूसरे की मदद करते हैं और एक तरफ से तो हम दूसरे की मदद करते हैं, और फिर दूसरी तरफ एक विचारधारा रहती है, आत्मग्रहता बहुत ज़्यादा रहती है, और दूसरों के हित को भी हम नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो मानवता, जो हमारे बुद्धि है, करुणा है, उसको उपयोग करना चाहिए कि वास्तव में हम जो करुणा कर रहे हैं वो सच्ची करुणा है कि नहीं, जो हम जिसपे मदद कर रहे हैं वो सच्चा है कि नहीं। श्रीनाथ रेड्डी, तो अगला प्रश्न प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी, तो प्रेसिडेंट पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो जो पब्लिक हेल्थ में काफी जाने पहचाने चेहरा हैं। थैंक यू योर होलीनेस,
May the grace of your long life bless तो मैं आप परम पावन जी आप जो आप अगले कई वर्षों तक लोगों का हित कर सकें तो जहाँ तक के जो लोगों के सामान्य समस्याएं हैं उसके साथ लोगों के जो सामान्य जो जो विचार हैं जो लोगों का हित है तो ऐसे समय में चाहे लोगों के लिए कोविड वैक्सीन की बात हो लोग जो बीमारियों को करने के हो हम सभी लगे हैं तो मेरा प्रश्न है कि जो वैश्विक जिम्मेदारी है उसको और जागरूक और किस और अपने एक प्रकार से नैसर्गिक रूप से कैसे कर सकें स्वतः लोगों के प्रति हित के लिए विचार कर रहे आ सके existing our education तो जो हमारी शिक्षा पद्धति है जो शिक्षा प्रणाली है much more related with human intelligence तो उसका संबंध हमारी जो प्रज्ञा है जो ज्ञान है उससे जुड़ा हुआ है और जिस जो कि भौतिक विकास पर ज़्यादा जोर देते हैं इसमें मन की शांति कैसे आ सके इसके बारे में बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है तो पूर्व में मैंने इसके बारे में कहा है कि हमारी आधुनिक शिक्षा में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें जो करुणा और अहिंसा के जो विचार हैं विचारधारा वो आना चाहिए क्योंकि करुणा जो कि धर्म का एक अभ्यास है ऐसा नहीं है सामान्य तौर पर हम लोगों को हम मानव लोगों को एक शांतमय मनुष्य सुखमय मनुष्य समुदाय की आवश्यकता है क्योंकि लोगों का मानना है विज्ञान लोगों का मानना है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक जो प्राणी होता है वो हमेशा अपने समुदाय पर अपने संघ पर आश्रित रहता है उसका संपूर्ण जीवन उसके संघ अर्थात उसके समुदाय पर निर्भर करता है क्योंकि आपका जो पड़ोसी है वो आपके जीवन सुखद जीवन के लिए उत्तरदायी एक प्रकार से होता है तो इसलिए अगर आप बृहद रूप में अगर आप सोचें तो अरबों की संख्या में जो लोग हैं उनके साथ साथ हमें जीना है एक दूसरे के साथ रहना है तो जो कि पूर्वी हैं वो पाश्चात्य लोगों पर निर्भर है जो पाश्चात्य के लोग हैं उनको पूर्वी उत्तरी दक्षिणी तो एक दूसरे पर लोग हम लोग जुड़े हुए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो हम लोगों का जो आगामी जो जीवन होगा जो हमारा जो भविष्य है वो एक प्रति एक दूसरे पर आश्रित है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए और इस सत्यता को स्वीकार भी करना चाहिए कि ये सत्य है और जितने भी मनुष्य हैं वो हमारे भाई बहन हैं चाहे पूर्व के हों पाश्चात्य हों उत्तरी और चाहे दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले हों हमारे भाई बहन हैं हमें एक दूसरे के साथ रहना है इसलिए हमें 7 अरब के आसपास लोग हैं उनको बारे में उनके हित के बारे में सोचना चाहिए तो आज की जो कोविड की जो समस्या है ये वैश्विक समस्या है वैश्विक महामारी है सभी राष्ट्र के लोग जो डॉक्टर और जो अन्य लोग हैं उन सभी की एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इस समस्या का हम सामना करें इसके निजात पाने की कोशिश करें और हम सब का विचार होना चाहिए कि 7 अरब के आसपास लोग हैं वो सभी एक साथ रहेंगे तो अब ऐसा वक्त जो अभी अगर आप अभी के समय में कहें कि मेरा राष्ट्र मेरा संघ इस प्रकार की जो संकुचित विचार आ रहा है वो बहुत इसको हटाना चाहिए जो जहाँ तक आर्थिक व्यवस्था की बात करें वो वैश्विक है तो ऐसा अगर कहें कि मेरे राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था केवल इतने बारे में अगर सोचते रहेंगे तो वो ठीक नहीं है अपने राष्ट्र के बारे में सोचें ऐसी उचित नहीं होता हमें विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में भी विचार करना होगा कम्युनिटी एक्चुअली डिपेंड ऑन रेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग
तो जो किस प्रकार का हमारा समुदाय होगा, किस प्रकार का हमारा हमारे लोग होंगे, वो हमारे विश्व के जो लोग हैं उन पर निर्भर करेगा। इट इज सॉर्ट ऑफ आउटडेटेड थिंक माय नेशन, तो ये मेरा राष्ट्र, मेरा संघ, मेरा लोग, ये पुरानी बातें हैं। इस पर बहुत ज़्यादा हमें चिंतन नहीं करना चाहिए, हमें ये कोशिश भी करना चाहिए कि हम दूसरों का हित कैसे कर सकें, लोगों का हित कैसे कर सकें। तो देखिए, आप ही देखिए कि साउथ इंडियन लोगों का, दक्षिणी भारतीय लोगों का अपना एक कल्चर होता है, भारत में अन्य अन्य जो राज्य हैं अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, उनकी अलग अलग, जहाँ तक संस्कृति की बात करें तो अलग अलग होते हैं, अलग संस्कृतियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी हम साथ साथ रहते हैं। हमें यही विचार करना चाहिए कि विश्व के लोगों को, हम लोगों को साथ साथ रहना है, साथ साथ चलना है। थैंक यू। मेडिकल प्रोफेशनल्स डू देयर बेस्ट, ट्राई टू डू देयर बेस्ट फॉर द पेशेंट्स। तो जो जहाँ तक मेडिकल जो लोग हैं वो अपना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा कर सकें, लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। सो माय क्वेश्चन इज हाउ डज, तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि जब कोई समस्या या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है, उस समय उनको कैसे एहसास करना चाहिए कि उन्होंने कोई गलती की कर दी है, उसको सुधार करना है। माइंड, तो मैं मानता हूँ कि कभी कभी जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति विशेष का में जो विचार होता है, वो कभी कभी ऐसे चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे कि जो डॉक्टर, जब कोई मिस्टेक हो तो उस समय अन्य डॉक्टर के साथ बातचीत करनी चाहिए, उसके साथ समस्या रखनी चाहिए कि ऐसे जो मरीज उस पर क्या उपयोग करें, क्या विधि अपनाएं जिससे कि लाभ हो सके। अगर आप इस प्रकार से सोच विचार करेंगे तो कोई तरीका मिलेगा। कभी कभी हम लोग हालांकि हम लोग का उद्देश्य अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी खुद उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाते हैं, गलत एक प्रकार से हमारा निर्णय हो जाता है। तो डिस्कशन आपको करना चाहिए, दूसरे से बातचीत करना चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए। तो परंपरा में आप कहते हैं कि जो करुणा है वो कोई कमजोरी नहीं है, जबकि ये एक कमजोरी के रूप में नहीं दिखना चाहिए। कहाँ तक के स्वास्थ्य सेवाओं के जो लोग हैं तो वो बहुत ही कठिन, गंभीर कार्य करते हैं, अथक कार्य करते हैं। तो मेरा प्रश्न है, तो आप जो हमारे जो मेडिकल वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहें, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो जब लोग तो जब कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है, बीमार होके जाता है, तो वही उम्मीद करता है कि ये डॉक्टर या नर्स हमें हमारी मदद करेगा। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा मिलिट्री के आसपास से जाएं, तो समय तो थोड़ा लोगों में भय होता है कि कहीं दंगा या फिर कुछ ऐसी घटनाएं ना हो। ठीक है, जब अस्पताल में कोई जाता है तो उम्मीद लेकर के जाता है कि और खुशी जाहिर करते हैं कि ये व्यक्ति, यहाँ पर ये डॉक्टर मुझे, या ये संस्था, ये अस्पताल मेरी रक्षा कर लेगा, मेरी मदद करेगा, मेरा जीवन बचाएगा। तो हम हमेशा हमारे अंदर मन में एक खुशी होती है, एक उम्मीद होती है। तो इसलिए जो डॉक्टर हैं और नर्स हैं, आप लोगों को अपने कार्य के प्रति गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि आप लोग वास्तविक रूप में जो लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे केवल बातचीत कर रहे हैं, आप वास्तव में लोगों के मानवता की आप सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आपको गर्व महसूस करना चाहिए। We have one last question from Dr. Nageshwar Reddy. तो अगला प्रश्न जो आज का अंतिम प्रश्न डॉक्टर रेड्डी की तरफ से। Many of our healthcare personnel have sacrificed their life to save others. तो हमारे बहुत सारे जो हेल्थ केयर, उन्होंने दूसरों के जीवन को
बचाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है। तो ऐसे लोगों को आपका क्या संदेश है जो जिन्होंने अपने को खो दिया है, जिनके अपने गुजर गए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? Those doctors, nurses who helping. तो ऐसे डॉक्टर और नर्स हैं जो लोगों की, जो बहुत ज़्यादा गंभीर मरीज हैं, उनकी जो मदद की है और उसकी वजह से खुद वो लोग बीमार हुए हैं या उन्होंने अपने लोगों को खोया है, तो मैं कहना यही कहना चाहूँगा कि उस परिवार के लोगों को इनके बारे में, अपने जो डॉक्टर, जो भी उनके परिवार का इस प्रकार का कार्य करे, उनके प्रति एक प्रकार गर्व महसूस करना चाहिए। और जब भी अवसर मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहना भी चाहिए कि मेरा दोस्त डॉक्टर या नर्स, उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के हित के लिए न्यौछावर कर दिया, दूसरों की मदद के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसा आपको प्रशंसा करना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए। तो ऐसे लोग एक प्रशंसा के पात्र हैं। When I heard, this is some doctors. तो जब भी मैं सुनता हूँ जो डॉक्टर लोग दूसरों की मदद करते हैं, तो ऐसे लोगों के या डॉक्टर कोई बीमार होता है या किसी इस प्रकार से जब घटना को मैं सुनता हूँ तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। वो वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं, उनकी करनी चाहिए। Your Holiness, this has been such a powerful session. तो परम पावन जी, आज का जो सत्र है वो बहुत ही लाभदायक रहा, और आपने जो करुणा, अहिंसा, तो इसको आपने बताया कि केवल और केवल श्रद्धा बस नहीं है, तो ये, और आपने बताया कि किस प्रकार से लाभदायक है, और वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जहाँ तक करुणा और जो इत्यादि के जो विशेष, जो एक प्रकार से विचार हैं, वो हमें आपसे प्राप्त हुए हैं, और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों को हित कर सकूं। तो आपसे ज्ञान से हम लोग खुश हुए हैं, और हम लोग आप अपने आप को भारत का पुत्र कहते हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आप यहाँ पर हैं तो आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। तो आपने किस प्रकार से हमारे भारतीय विद्वानों से आपको ज्ञान प्राप्त किया, आपने नालंदा की परंपरा के बारे में बता किया, और क्या आपने सीखा, क्या बता रहे हैं, इसके लिए मैं आपको वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको जो एक भारत के लिए एक उपहार के रूप में मैं देखता हूँ कि तिब्बत ने आप जैसा हमको एक उपहार के रूप में दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे जो सत्र का यहाँ समापन होता है, तो पुनः कभी मुलाकात होगी।